हेलो गाइस, कल हम लोगों ने पढ़ा था कबीर दास जी का पदावली। तो आज हम पढ़ेंगे कबीर दास जी का ही विरह को अंग। तो आइए देखते हैं। तो अंबर कुंजा कुरलिया गर्जी भरे सब ताल, जिन थे गोविंद विछुटे तिनके कोढ़ हवाल। कबीर पीर पिराउनी पंजर पीर न जाई, एक जुट पीर बिरती की रही कलेजे छाई। विरह जलाई मैं जलाऊं, जलती जल हरी जाऊं, मो देखिया जल हरी जले संतो कहाँ बुझाई। तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो अंबर कुंजा हवाल, तो संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में देखते हैं कि प्रस्तुत साखी में संत कबीर दास कहते हैं कि आकाश में कौच पक्षी ने विरह विलाप किया और रुदन धारा से सब तालाब को भर दिया। अब सामान्य और अस्थाई वियोगानुभूति में सामान्य पक्षियों की इतनी दारुण व्यथा भोगनी पड़ रही है, तब उन जीवों की क्या दशा होगी जिससे ईश्वर का सानिध्य छूट गया है। हम व्याख्या देखेंगे कि आकाश में कुंजा पक्षी अत्यधिक विरह वेदना से रो रहा है और उसने अपनी इस व्यथा की ध्वनि से सारे तालाब को गुंजायमान करते हुए अपने अच्छु जल से इन उनको भर दिया है। जब रात भर के लिए सांसारिक प्रियजन से बिछड़ने वाले कुंजा पक्षी की यह दशा अवस्था है, तो जीवात्मा अनंत जन्मों के लिए भगवान से बिछुड़ गई है, उसकी वेदना की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो हम विशेष में देखेंगे कि कौच पक्षी का दृष्टांत देकर दृष्टांत अलंकार की सुंदर नियोजना की गई है। तो अगला देखेंगे कि व्यतिरिक की व्यंजना है, अतिशयोक्ति और छेकानुप्रास अलंकार है, और वेदों की गर्जना से तालाब के भरने की मनोरम कल्पना, विरह की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। चौथा है कि जीव की विरह व्यथा से सारा जगत भी वेदमान हो गया है, उसी की व्यंजना है। तो हम अगला देखेंगे कि कबीर पीर कलेजे छाई, संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग में प्रस्तुत साखी में प्रेम एवं विरह की पीड़ा ने पिंजर या शरीर एवं मर्म को अभिभूत रखा है। क्या हम देखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि समस्त पीड़ा पिराउनी अर्थात पीड़ित करने वाली हुआ करती हैं, और पंजर शरीर के भीतर की पीड़ा जाती नहीं है। प्रीति की जो एक पीड़ा है वह मेरे कलेजे में छा रही है और किसी भी प्रकार की नहीं मिट रही। तो यहाँ पे कबीर दास जी ने प्रेम की जो पीड़ा होती है उसी के बारे में बताया है। तो हम विशेष में देखेंगे कि अलंकार में संपूर्ण साखी में व्यतिरिक अलंकार ध्वनित है, पीर पिराउनी पीर पिंजर पीर पीर पीरित में अनुप्रास अलंकार है, और इसमें अन्य पीड़ाओं से प्रेम की पीड़ा एक विशेषता को व्यंजित किया गया है। प्रेम की पीड़ा में अनुठापन यह है कि वह प्रिय लगती है। इस संबंध में संत चरणदास ने इस प्रकार कहा है कि वह बिरहनी बौरी भई जानत न कोई भेद, अग्नि न बरहिय राजरे भय कलेजे छेद। तो हम अगला देखेंगे कि विरह जलाई कहाँ बुझाई, तो संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में देखेंगे कि
कि प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है, मैं विरह से जलाई हुई जल रही हूँ। और इस अवस्था में जब जल के स्थान पर अपनी आग बुझाने के लिए जाती हूँ तो वह जल का आगा भी मेरी आग से जलने लगता है। हे संतो, अब यह किससे बुझेगी? व्याख्या में हम देखेंगे कि मैं विरह के कारण जलती जा रही हूँ। अपनी इस अवस्था में मैं गुरु रूपी तालाब के निकट जाती हूँ कि वहाँ अपनी आग बुझा लूँगी, पर मुझे देखते ही वह तालाब भी जलने लगता है। अब हे संतो, मुझे बताओ कि इस आग को मैं कहाँ और किस प्रकार बुझाऊँ? तो यहाँ पे भाव यह है कि आत्मा की विरह की अग्नि परमात्मा को भी जलाती है, अर्थात परमात्मा भी सच्चे विरह की अग्नि में जलकर ही आत्मा को अपने में आत्मसात करते हैं। हम विशेष में देखेंगे कि जलो, जलती जलहरी में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ विरह वेदना की तीव्रता तथा मिलन आकांक्षा की उत्कृष्टता व्यंजित है। और डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने लिखा है कि जलहरी गुरु अथवा विभिन्न साधनाएं हैं, प्रेम और ज्ञान के अतिरिक्त अन्य साधनाएं इस विरहग्नि को बुझा नहीं सकती, तो वे साधक को व्यर्थ लगने लगती है। अतः जल जाने के समान है मुमुजु और प्रेमी की विरहग्नि से गुरु का भी ईश्वर के प्रेम अधिक उद्दीपित हो जाता है, अतः वह भी अधिक जलने लगता है। यहाँ विरह वेदना की तीव्रता तथा मिलन की आकांक्षा की उत्कंठा व्यंजित है। तो हम लोगों ने देखा कि कबीरदास जी किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के बारे में बता रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे गुरुदेव विरह के अंग। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।